अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो ना काफ़ी फ़नी होने वाली है। वैसे तो हमेशा ही फ़नी होती है, बट अग्रेसिव गेम प्ले भी होगा और फ़नी वाले काम भी करेंगे, क्योंकि आज हमारा सब पूरा स्क्वाड है हमारा, तो मतलब स्क्वाड है तो मस्ती मजाक और टाइम पास अच्छे से। अभी लाइक ये गेम हम खेल रहे थे, रात का टाइम था, बिल्कुल 10-11 बजे का टाइम था। ये लोग ना गैस वो खेलते हैं, स्क्रिम्स वगैरह खेलते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं, तो ये भी थक हार के लाइक प्रैक्टिस कर करके ऐसे क्लासिक खेलने आ गए थे साथ में। और मैं भी मतलब काफ़ी गेम प्ले ट्राई कर लिया था बट बना नहीं, तो मैं भी इनके साथ खेलने के लिए आ गया। तो लाइक फन में इतने मज़े की गेम हो गई ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है गैस आपको। तो सस्ती शायरी भी सुनाना बनती है। अर्ज़ किया है क्या किया था, मैं खुद थोड़ा सा भूल गया, मुझे गाइस याद करने दो, बेइज्जती सी हो जाएगी। क्या था वो? हाँ, याद आ गई मेरी सस्ती शायरी के। हैक लगा के खेलोगे तो बैन आईडी उसकी सज़ा है, जिस पे पबजी वाले बिल्कुल अमल नहीं करते। हैक लगा के खेलोगे तो बैन आईडी उसकी सज़ा है, अपने टीममेट को नेड करने का अलग ही मज़ा है। सस्ती शायरी, ख़राब शायरी विद एनोनिमस। तो गाइज आज ना लाइक अपने टीममेट्स को हम फिर से नेट कर करके तंग करने वाले हैं, जिसमें हमें बड़ा मज़ा आता है। और लाइक जब बंदे नहीं मिल रहे होते ना, ये नेड फाइट जो है ना गाइज, लाइक बोर नहीं होने देने के लिए ना सबसे बेस्ट काम है, कि आप अगर बोर नहीं होना चाहते तो आपस में नेड फाइट शुरू कर दो। तो आज आप फिर से बड़े टाइम बाद नेड फाइट देखोगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। आए थे कराची यानी नोवो, और यहाँ पे हमें अब हमारी फेवरेट गन M4 मिल गई, लेकिन मज़े की बात यहाँ पे आता कोई नहीं है, तो हम एक बॉट मार के यहाँ से निकलेंगे सीधा मिलिट्री बेस, क्योंकि सबसे पास वही लगता है। और प्लेन पाथ भी ऐसा था कि मिलिट्री बेस काफ़ी पास में था, तो हम लोग मिलिट्री जाते हैं यहाँ से सीधा। और रास्ते में मैं इनको वो स्टंट करके दिखाने वाला ट्राई करता हूँ, लाइक कि आपने वीडियोज़ देखी होंगी मेरी, टिकटॉक पे काफ़ी अपलोड करता हूँ मैं, इंस्टा पे अपलोड करता हूँ, गेट इन करने वाला। तो पहले तो हो गया हमारा फेल, ऐसा नहीं है गाइस फेल नहीं होता, अगर आपने भी ट्राई करना तो जस्ट गाइस आपको ना लाइक 0.5 सेकेंड मिलेंगे, बहुत कम टाइम मिलता है टैप करने के लिए। और अगर आपकी हेल्थ पूरी नहीं है तो आप नॉक हो जाओगे, जैसे भी मेरी हेल्थ पूरी थी तो मैं नॉक नहीं हुआ, बट अभी मेरी हेल्थ आप देख सकते हो कम है, तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाऊँगा। मैं एक और ट्राई करूँगा यहाँ पे, और इस टाइम में मैं टैप नहीं कर पाता, देखें ज़रा सी देर के लिए ड्रैप का ऑप्शन आएगा, ये मैं जंप किया आया बट मैं टैप नहीं कर पाया उसके ऊपर और नॉक हो गया। तो अगर आप ये स्टंट ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ एकदम फुल रखनी है, और एकदम आपको पता होना चाहिए कि मेरा ड्राइव वाला ऑप्शन गेट इन वाला कहाँ पे आ रहा है, उसके ऊपर फ़ौरन से टैप करना है। तो बस दो बार फेल हो गया, बट फेल मतलब डर के आगे जीत है, और फेल होने के बाद ही एक आप सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर पाते हो। लाइक कौन सी मिसाल दो यहाँ पे गाइस, नहीं कोई मिसाल बन नहीं रही, आप लोग चलो कमेंट करके बताओ कि मतलब बार बार फेल होना और फिर कामयाब होना क्या मिसाल बनती है। तो गाइस मिलिट्री बेस आए थे यानी मुल्तान आए थे, और यहाँ पे भी बंदे नहीं थे, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं यहाँ पे एक डार्ट से गुजरती है पूरा स्क्वाड, तो गाइस आई गेस ये लोग मिलिट्री बेस लूट के यहाँ से जा रहे थे और हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो इसलिए काफ़ी धमाकेदार एंट्री हम दोनों की आपने देखी, उनकी भी और हमारी भी। और यहाँ पे गाइस आप देखोगे कि अचानक से बंदा मुझे मारेगा और इससे तो क्या बचा, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बिल्कुल आधी है। अचानक से स्पॉट करके गाइस इसको डाउन किया, अब इनका एक ही बंदा बचता है, वो आगे था, मेरे टीममेट्स उनके काफ़ी क्लोज थे, और किल का भूखा देख लो अनोनिमस, मतलब किल का नो मजाक, इसलिए आपका अनोनिमस ना बिना हील किए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है कि आखिरी किल मिल जाए, आखिरी किल मिल जाए। और जब मेरा टीममेट नॉक हुआ, हमारे पास थोड़े से वो हुए लाइक चांसेस के मिलेगा, उस बंदे के पास भी M4 ग्लेशियर थी और अपग्रेडेड थी, तो उसने एक बंदा हमारा डाउन किया, बट बाकी टीममेट्स ने उसको डाउन कर दिया, मैं काफ़ी दूर था, मुझे वाला किल नहीं मिला। 3 किल गाइस हमारे हो चुके थे, और यहाँ पे आकर लूट करेंगे, और लूट करने के बाद बाबा जी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, क्योंकि जोन नहीं था, जोन काफ़ी दूर था गाइस, लाइक 1100-1200 मीटर्स दूर था यहाँ से, तो जितनी हीलिंग मिली उठा ली। देखो गैस कैन जमा कर रखे तीन, क्योंकि हम चाहते थे कि अपने गैस कैन से अपने टीममेट्स की बैंड बजाओ। यहाँ हम दोबारा से ट्राई करेंगे गाइस वो लाइक एग्जिट और गेट इन वाला, और फाइनली हम वो दोबारा से करने में हो जाते हैं कामयाब। तो दो बार मैं फेल हुआ, तीसरी बार मैं कर लिया, उसके बाद हम बैठेंगे अपनी मेहरान गाड़ी, मेहरान गाड़ी छोड़ के गधा गाड़ी में बैठे, और उसके बाद गैस सामने चलती है पिचकारी यानी फ्लेयर गन, और हम डायरेक्ट करेंगे उसकी पेरश। अभी तक अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ एनोनिमस की पब्लिक
ठोक दो लाइक बटन सब के सब। आ जाते हैं गैस हम यहाँ पे। ये बंदों ने पता नहीं शायद ये आए थे ये प्रिजन वाली साइड से और शेल्टर वाली साइड से। यहाँ पे आके जोन में इन्होंने फ्लेट चलाई बिल्कुल एच पे। गाइस एक छत पे चढ़ा होता है एक पत्थर के पास और मैं अचानक से स्पॉट करके दोनों को डाउन किया और इनका ड्रॉप आ जाता है। और मुझे शक हुआ था कि मैंने वहाँ पे बंदा देखा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, बट मुझे ऐसे शक होता है। तो मैं वहाँ पे आगे की तरफ रश करने जाता हूँ। मुझे लग रहा था बंदा ऊपर है, बट यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा प्रैंक हो जाएगा। टीममेट्स का साउंड भी आ रहा था ना, तो मैं साउंड सही से ले नहीं पाया। मुझे लगा बंदा ऊपर है और मैं नेड निकाल के ऊपर ही करता हूँ। वो डीपी से मार रहा था और मैं सोच रहा था यहाँ करूँ, बट वो होता ही नहीं ऊपर। फिर मैंने टीममेट बताया था भाई वो तो नीचे है वो। मैंने कहा ओके नीचे है, तो फिर नीचे की तरफ रश करते हैं। पीछे भागा उन्होंने बताया तो मैं रश कर देता हूँ। तो बाबा जी हमने इसको डाउन किया यहाँ पे, मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गया। मज़े की बात गाइज, 3 के 3 किल हमें मिल गए। तो बेशक आपकी टीम देखो कितने भूखे टीममेट हैं, बेशक आपके टीममेट जितने भी किल के भूखे हों, बस टेंशन नहीं लेनी। ये सोच लो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा और नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। आगे थे वापस से ड्रॉप लूटेंगे। ड्रॉप में थी गाइज M249 100 गोलियों वाली गन और MK14 जो कि पावरफुल गन है सबसे ज़्यादा 7 KMO वाली। तो फिलहाल मैंने दोनों नहीं ली क्योंकि मेरे पास कार 90 और M4 थी, मैं दोनों ड्रॉप नहीं करना चाहता था। और इसके बाद गैस यहाँ पे हमने लाइक नेट जमा कर लिए, वो वाली क्रेट भी देखेंगे क्योंकि जब तक हम सारी क्रेट्स चेक ना कर लें दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल में खुजली होती रहती है, पता नहीं उस क्रेट में क्या होगा, ओपन करके देख लो। तो यहाँ से हमने फिर बाकी लूट की, नेट ढूंढ रहा था नेट नहीं मिले। जब तक मैंने Level 3 का बैग फुल नहीं कर लिया मुझे सुकून नहीं मिला। फिर अपनी घर गाड़ी लेके गए यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आप देखोगे कि हमारे टीममेट जो है ना किल के कितने भूखे हैं। वो अभी वो देखो उसकी लूट ही ख़त्म नहीं हो रही भाई, मज़े से कर रहा लूट गॉड फ्री। शुक्र है भाई नीचे आ गया। जैसे ही हम यहाँ से निकले बॉट भैया आएंगे यहाँ पे, बाबू भैया, और हमारे ये देखो किल के भूखे टीममेट। आपके भी टीममेट ऐसे ही होंगे मुझे पता है, सारे टीममेट ऐसे ही होते हैं गाइस। आज के बाद ना हम अपने टीममेट के लिए ना एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे और हमेशा वही करते रहेंगे, आप करो मैं करो, वो होगा भूखे नंगे टीममेट। अब वो लूट भी आ जाते सब, मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें, भूखे नंगे टीममेट्स हैशटैग। जो भी ऐसा बंदा होगा ना उसको हम बोलेंगे भूखा नंगा टीममेट। यस तो गैस हम आ गए थे गटका और यहाँ पे बंदा ढूंढने के लिए आया। तो बिल्कुल एच पे ना लेकिन आते हैं तो साउंड आता है और फिर मैं पत्थर के पीछे गाड़ी रोक देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट हुई, आप लोग देखो ज़रा। तो बाबा जी आप यही नोटिस कर रहे होगे कि अनोनिमस भैया की हेल्थ नहीं है और फिर भी लाइक किल के कितने भूखे हैं, ये भागी जा रहे हैं। तो जब आपके साथ ऐसे टीममेट हो ना आपको किल नहीं मिलते गाइस फिर, तो इसलिए मैं भूख किल का भूखा बन गया था। क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द एनिमी जस्ट रन एंड निकालिंग योर गन एंड मारिंग बंदा, इस कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ अनोनिमस। अभी थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑफिशियल लॉ बनेगा। ओके व्हेन यू सी द एनिमी यू जस्ट रन एंड निकालिंग गन एंड मारिंग बंदा इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ अनोनिमस, नहीं इज कॉल्ड किल का नॉम होगा, ओके ही होगा। तो गाइज अब सब होमवर्क आपको दिया जाएगा क्योंकि आपने बड़े दिन से होमवर्क नहीं किया। ये है सेकेंड लॉ ऑफ अनोनिमस, दोबारा से बताता हूँ। व्हेन यू सी द एनिमी यू जस्ट रन एंड निकालिंग गन एंड मारिंग बंदा इज कॉल्ड
स्किल का नो मजाक, सेकंड लॉ ऑफ एनोनिमस। तो आपको होमवर्क मिल गया, आप प्लीज़ ज़रा कमेंट में जाके लिख दीजिएगा हमारा सेकंड लॉ। और इसके बाद गैस यहाँ पे हमारी हो जाती है नेट की बरसात शुरू। अब मेरा एक टीममेट नॉक होता ना, फिर मेरे दिमाग में खुजली होती है और फिर मैं बस तंग करने लग जाता हूँ। आप भी देखो कैसे तंग किया। तो गैस हम लोग ना लाइक ऐसे करते हैं कि फिनिश नहीं होने देते, बट जितना तंग कर सकते हैं ना उतना तंग करते हैं। और यहाँ पे हम फिर से नेट ढूंढने लगे। और मज़े की बात कि ये ऐसा नहीं होता कि मतलब एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, किसी एक को पकड़ लेंगे और उसको तंग करते रहेंगे। लाइक आज गॉड फेरी की बारी थी और सारे मिलके उसी को तंग कर रहे थे, वरना ऐसे नहीं होता कि मुझे कर रहे हैं कभी किसी को, नहीं तीनों मिलके किसी एक को करते हैं, वो एक कोई भी हो सकता है। तो आज बेचारे इसकी बारी थी और फिर दोबारा से हमने इसको यहाँ पर तंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरे हाथ में था, मैंने पकड़ा नहीं हुआ था, चोकर है भाई अभी तो। तो पहले कहीं और तूने लेना था पकड़। ओए ओए नहीं भाई नहीं, और गाइस यहाँ पे मैं अपना फेवरेट काम कर रहा था, जब मैं नॉक करता हूँ ना, देखना अब देखना टाइम, देखना 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 0, बिल्कुल जो 0.1 रह जाता ना मैं कैंसिल कर देता हूँ। और मतलब टीममेट बताओ क्या, जब इतना कम रह जाता ना टाइम, उठ के भागने वाला होता है ना, लाइक जैसे आगे मूव करने वाला कर्सर मूव करता है और बेचारा को देखता है तो कैंसिल हुआ होता है। लाइक यहाँ पे कैंसिल करने का गाइस अपना ही मज़ा होता है। तो आप मुझे बताना कि आपको ना इनकी बातें आप सुन रहे थे, सबसे मज़े की बात क्या लगी वो कमेंट करके बताना। मैंने भी बड़ा तंग किया भाई, सॉरी सॉरी गॉड फ्री भाई, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। मैंने फिर नेड मांगे, मतलब उसी के हथियार मांगे उसको तंग करने के लिए। वाह वाह, 4 नेड मिले। अब भाई आप रिवाइव हो गए, अब जा सकते हो आप। Thank you.
गाइस सर्कल ना बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, और अभी हमारे अलावा ना दो स्क्वाड और बचे होते हैं, तो यहाँ पे ना मैं पूरा रिवाइव दे देता हूँ क्योंकि आ जाते हैं रियल बंदे, और सर्कल हद से ज़्यादा छोटा हो चुका तो यहाँ पे मजाक महंगा पड़ सकता था। अब लेफ्ट पे पूरा स्क्वाड आता है, ये पाकिस्तानी हमारे भाई लोग होते हैं, और मज़े की बात ये होते हैं मीटअप वाली पब्लिक हमारी, मतलब ये एनोनिमस की पब्लिक होती है। तीन बंदे होते हैं ये, चार हम, तीन ये सात, और बाकी बचे पाँच। तो ये लोग मीटअप वाले होते हैं, इनको हम लोग नहीं मारते भाई, रिवाइव हो जाएंगे और ये लोग यहीं पे हमारे साथ रुकेंगे। यहाँ से किसी ने गाइस स्नाइपर चलाई थी, तो मैं ऊपर आके इसको स्पॉट करता हूँ, घास पे छुपा हुआ था, हेडशॉट दिया, स्प्रे करके फिनिश करता हूँ। और उसका नाम देखो गाइस, इसका नाम नोट करो, वाह भाई अर्तुगरुल भैया हमारे, इनको यहाँ पे फिनिश किया। अब पूरे चार लोगों का स्क्वाड बचा गाइस, और इस गेम में ना मेरे साथ दो बार जो है ना वो स्कैम होने वाला है, दो बार स्कैम होने वाला है। एक तो होगा कि पीछे वो जंप कर रहे होंगे, ठीक है हम उनको नहीं मारेंगे, और वो क्लोज आके मारने लग जाएंगे। ये देखो गाइस, अब मैं इनके यहाँ पे नॉक किया बंदा, और भाई सब जंप कर रहे थे तो हमें लगा भाई ने नाम देख लिया होगा, शायद ये मीटअप वाली पब्लिक है हमारी, नहीं मारते। और मज़े की बात गाइस, इनके तीन बंदे जो थे वो रैंडम थे, वो मारने वाले थे, और एक सिर्फ मीटअप वाला था। तो गाइस आप एक बात नोट किया करो यार, अगर आपके टीममेट राज़ी नहीं है ना उनको, आपको पता कि ये मारेंगे, तो मीटअप मत किया करो। समटाइम मैंने बहुत बार ऐसे देखा कि मैं मिलने के लिए आ जाता हूँ और आपके बाकी टीममेट्स मीटअप नहीं करते, मार देते हैं और गेम प्ले हो जाता है ख़राब। तो प्लीज़ ये चीज़ आप नोट किया करो गाइस। और मज़े से यहाँ पे वेट कर रहे थे उन लोगों को आने का, अभी हम सात बंदे यहाँ पर थे और तीन बंदे बाकी वहाँ से आ रहे थे, चार बंदे वहाँ से आ रहे थे। तो अभी एनिमी कोई भी नहीं बचा, सबके सब अपनी मीटअप वाले अभी आए गाइस, हमने नहीं मारा। मैं अपनी लाइक जो हमारी पब्लिक थी इनको भी बोल दिया था कि भाई नहीं मारना, ये लोग मीटअप वाले, गन पीछे रख ली और एच पे खड़े वेट करे, उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। तो फिर मैं अपने टीममेट्स को बोला कि जो भाई जंप करे ना उनको छोड़ के बाकियों को मार दो, क्योंकि ये सब मार रहे हैं, वो भाई नहीं मार रहे। तो इन्होंने फिर क्या किया, तीनों को फिनिश कर दिया, और ये जो हमारे भाई जो जंप कर रहे थे इनको हमने नहीं मारा। और यहाँ पे शुरू होती है गाइस स्कैम की कहानी। अब एक मज़े की वीडियो है जो मुझे बहुत मज़े की लगती है, कि बंदा आता है और पूरा का पूरा स्क्वाड सामने लेटा होता है और वहाँ पर वो आपके साथ स्कैम कर देता है। तो मैं अपनी पब्लिक को यहाँ पर बताया, भाई एनोनिमस की पब्लिक आप एक काम करना, सब गन पकड़ के लेट जाए यहाँ पर, और मैं ऊपर आऊँगा तो आप मुझे नॉक कर देना, हम टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा प्लान था, ये सब यहाँ पे शाम बने होंगे छत पे एक साथ, और मैं नीचे से ऊपर आऊँगा और ये लोग मुझे नॉक कर देंगे, फिनिश नहीं करेंगे, जस्ट नॉक करेंगे, और एक फ़नी सीन बन जाएगा टिकटॉक के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे प्लान था। अब मैं सबको बताया और वो सब गन वन लेके एकदम रेडी हैं कि जैसे मैं ऊपर आऊँगा ये लोग नॉक कर देंगे मुझे। तो गाइस उसके बाद बताने के बाद मैं नीचे जंप करूँगा, अपने वाले कपड़े उठाऊँगा ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि मैं ही आ रहा हूँ और नॉक करना है, और काफ़ी फनी सीन बनाने के लिए हम लोग एकदम रेडी थे। हमारा प्लान जो था वो आपको मैंने बता दिया, इन लोगों को समझा दिया, अब टाइम है प्लान पे अमल करने का। ये हमने अपने कपड़े पहने, ये हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर अब सांप बने होंगे जो हमें नॉक करेंगे और फनी सीन बनेगा। ऊपर आए, मुझे फिनिश कर दिया, प्रैंक हो गया, स्कैम हो गया गाइस मेरे साथ, मेरे को नॉक करना था, फिनिश कर दिया, और सच में बड़ा बहुत बड़ा स्कैम हो गया। फिर मैं लाइक मेरे को बड़ी हंसी आई, मैं क्या ब्रो मैं बोला तो नॉक करने, आप लोगों ने फिनिश कर दिया। और फिर हमने एक भाई को चिकन दे दिया, बाकी वो लोग भी मर जाते हैं जोन से जानबूझ के, और मेरे टीममेट्स को भी मैं बोलता हूँ, जो सोलो था ना अकेला बेचारा, उसको हम लोग चिकन दे देते हैं। तो ऐसा था ये फनी सा गेम प्ले काफ़ी। आपको कैसा लगा लाइक गाइज, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी को बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छे लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट दिखाते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो @theanonymousxd, तीनों लफ्ज जोड़ के लिखना आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।